नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लोकी क्राफ्ट में ऑटोमेटिक डोर ओपन एंड क्लोज और बटन के साथ सिखाने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है, खोद लेना है इसको डबल पुश करके, और यहां पर भी आपको ये खोद लेना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाता जा रहा हूँ, आपको ये 6 विस्कर लेने हैं और फिर आपको ये साइड में भी बना लेने हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका डोर काम नहीं करेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरी ये पहले लाइन बिछी हुई थी, मैंने इसको काट दिया है। अब मैं ये वायरिंग कर रहा हूँ इसकी। तो ये वायरिंग होने के बाद जो जो सामान लगेगा वो आपको लगा लेना है। सेम ऐसे ऐसे बॉक्सेस, ये 2 टाइप के होते हैं, एक ये चिपकने वाले, दूसरे बिना चिपकने वाले। तो आपको ये चिपकने वाले ले लेने हैं, जिनके बीच में हरा हरा होता है, आप इनके नाम पढ़कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको ये लाइटिंग ले लेनी है, आपको ये इसके पीछे लगा के फिर एक कोई भी बॉक्सेस आप लगा सकते हैं, फिर आप इसके ऊपर वायरिंग कर दीजिएगा। दूसरी साइड भी ऐसे ही करने होगा आपको, अगर आप भी इन दोनों को ऐसा करना चाहते हो जॉइंट। इसके बाद आपको प्रेशर प्लेट रख देनी है, जैसे कि आप इस पे पाँव रखेंगे तो आपका ये देखिए, ये बस छोटा सा प्रोसेसिंग है, बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने 2 बनाए हुए हैं, ये दोनों देख लीजिए आप कितने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आपको आगे आगे इसमें बटन का भी बनाने वाला हूँ, तो सब आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा। अब मैं इसको कवरिंग दे देता हूँ जिससे कि पता भी ना लगे। आप इसको अपने घरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घर में भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज़ इसमें कर लेनी है कवरिंग, जिससे किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने किया क्या है, और आपके डोर भी ऑटोमेटिक रहेंगे। तो मैं आपको बाद में इसका बटन का भी दिखाने वाला हूँ कि बटन से भी आप इसका कैसे काम कर सकते हैं। ये बहुत ईजीली है, मैंने भी बहुत मेहनत से सीखा है इसको आपको, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं, अभी ये हमारा हो गया तैयार। अभी हम इनको ग्लास के हटा के ये स्नोव लगा देंगे। जब तक ये हमारे स्नोव लग रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक कीजिए, जितना हो उसके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा ये बन चुका है। अब मैं आपको इसमें बटन लगाने का बताने वाला हूँ कि इसमें बटन कैसे लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं बटन ले लेता हूँ मोर ऑप्शन में जाके। तो सबसे पहले तो मैं इसका वो बटन लूँगा जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं लेवर भी बोलते हैं। देखिए अभी ये कोई काम नहीं कर रहा, इसके लिए भी हमें खोदना होगा, और ऐसी खुदाई के बाद ये यहाँ पर लग जाएगा हमारा बटन। तो इसके नीचे भी हमें वायरिंग करनी होगी, तो हम वायरिंग करने के लिए पहले हमारा रेडस्टोन बिछेगा, फिर ये लग गया, और अब इसके ऊपर लगेगा बटन जो, जिसको हम अपना हैंडल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं हैंडल, देखो अभी ये कैसे काम कर रहा है। हैंडल के साथ भी आप ये कर सकते हो, हैंडल के साथ इसको परमानेंटली खुला भी रख सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो, और ये आपको ऑटोमेटिक भी काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये हैंडल के साथ खोला हुआ है। जैसे कि मैं हैंडल को बंद करता हूँ और अभी मैं इस पर चढ़ूँगा, तो देखिए कि ये कैसे काम करेगा। देखिए अभी ये बंद में भी ऐसे काम करता है।